हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपने फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब यार बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप, तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ना जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उनकी वर्थ है, दे आर नॉट वेल पेड। इस लाइन ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। मेरे को डिसिप्लिन में रहना सिखाया। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ J&K में ना ट्रेनर्स की इतनी वैल्यू नहीं है। मैं खुद एक पर्सनल मास्टर पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। हमारा जो माइंड है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीन चीजें जो है हमारे शरीर का फ्यूल है। जो नया नया जो पुराना प्लेयर होगा ना उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। देखो मैं जाऊंगा ना स्टेज पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं बाहर चला गया था, मेरे को पापा ने बाहर जाना अलाउ नहीं किया था। बॉडी बिल्डिंग बेसिकली एक एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। मतलब मैं चाहता हूँ कि हम भी इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें, प्लेयर्स के लिए कुछ करें। फ्रेंड्स थे मैं, मतलब शुरू से मेरे दोस्त वैसे ही थे जो थोड़े फिटनेस फ्रीक्स थे। तो एक अच्छी बॉडी मैं चाहता था शुरू से कि मैं अच्छा दिखूं, थोड़ी अच्छी बॉडी हो। नमस्कार, रविवार का दिन है और हर रविवार को कोशिश रहती है कि जम्मू में जो भी हमारे बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज हमारे साथ गौरव जी हैं, इनसे तमाम बातें जानेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातें भी इनसे जाने जो आने वाले समय में जो भी युवा जम्मू में है उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकें। गौरव जी आपका स्वागत है। गौरव जी सबसे पहले आप पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव गुप्ता, आप कहाँ से जम्मू में कहाँ पर रहते हैं? जम्मू जानीपुर से, जानीपुर में रहता हूँ। जम्मू जानीपुर में जी। तो आपको बचपन से लेकर अभी तक क्या लग रहा है, आपने कौन सी उम्र में बॉडी बिल्डिंग लाइन चुन ली थी? बॉडी बिल्डिंग बेसिकली मैंने अपने करियर में थोड़ा देर से ही शुरू किया था। शौक था जरूर बचपन में, बट तब ऐसे ही थोड़ा ऑन ऑफ रहता था, जिम को लेकर ना सीरियस नहीं था। पर मतलब एक अच्छी बॉडी मैं चाहता था शुरू से कि मैं अच्छा दिखूं, थोड़ी अच्छी बॉडी हो। तो जब मैं कॉलेज टाइम में था तो कॉलेज टाइम में मैंने अपनी जर्नी जो प्रॉपर सीरियस होकर बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करी थी। कॉलेज की स्टडी कहाँ से की है? जम्मू से। जम्मू से, गवर्नमेंट SPMR कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज से। अच्छा, वहीं से आपको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना ये वो, पहले थोड़ा फिट था मैं, फिर वो थोड़ा टाइम ऐसा आया दोस्तों के साथ खाना पीना बाहर, तो थोड़ा थोड़ा ना मोटा होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो मुझे लगा यार ये मेरा नहीं है, मैं ऐसा था ही नहीं, नहीं मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे को दोबारा फिटनेस पे जाना चाहिए। तो वो टाइम था जब मैं प्रॉपर सीरियस हुआ था, मतलब मेरे कॉलेज की शुरुआत थी वहाँ, उस टाइम पे मैं सीरियस हुआ था। तो कौन सी उम्र थी उस समय आपकी जब कॉलेज में थे? कॉलेज में यही 21-22 साल की उम्र। किसी को देखा होगा उस समय, किसी की बॉडी देखी होगी? मेरे फ्रेंड्स थे मैं, मतलब शुरू से मेरे दोस्त वैसे ही थे जो थोड़े फिटनेस फ्रीक्स थे। अच्छा। तो मेरे दोस्त कॉलेज में आते थे, तो मेरा एक दोस्त था वो, मतलब मेरे को अच्छा लगता था, मतलब उसको देखता था मैं, वो जिम जाता था रोज, तो मेरा यही था आना, मतलब बीच में कभी गए कभी नहीं गए, तो उसको देख के ना मेरे को नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा दोबारा से मोटा जैसा हो रहा हूँ, तो मेरे को नहीं, मेरे को करना। कौन सी ईयर की बात है ये जब आप कॉलेज में थे? लगा लो आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले। वो 10 साल और अभी का समय अगर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग में आपको क्या लगता है कि जम्मू आगे बढ़ा है कि पीछे आया है? बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। पहले नहीं थे इतने रिसोर्सेज, नहीं थे इतनी नॉलेज, नहीं थी लोगों को। तो अभी जो टाइम चल रहा है खासकर सोशल मीडिया का, उसके थ्रू मतलब हम कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं आपको, बुरी चीज़ें भी मिल रही हैं। अच्छी चीज़ें अगर तो मिलती है, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से, मतलब हमारे सोशल मीडिया से लोग इन्फ्लुएंस हो, उनको एक अच्छी नॉलेज मिले। तो उसमें अच्छी नॉलेज भी है, बुरी नॉलेज भी है, अब वो समझना एक इंसान के हाथ में है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे इतना लोग कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से ना, क्रेज नहीं था उस समय। हाँ, क्रेज भी नहीं था और कनेक्टेड भी नहीं थे लोग ना। अच्छा। अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा चला है, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, उस टाइम मोबाइल नए नए आए थे, तो अब थोड़ा क्या है लोग थोड़े एजुकेट भी हो रहे हैं, इस चीज़ों से जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा पुश मिला है। हम भी कोशिश कर रहे हैं बींग ऑर्गेनाइज़र, आपको भी पता है महाराजा हरि सिंह क्लासिक कॉम्पिटिशन जो हमने अभी रिसेंट करवाया था, तो वो ऑल इन ऑल मतलब जितना हमारा एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग को लेके, या जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आगे बच्चों को ना आए, तो वो एक ज़रिया था हमारा कि बताने का एक प्रॉपर कंपटीशन कैसे होता है। हमारे जम्मू में और भी कंपटीशंस होते हैं, काफ़ी कंपटीशंस होते हैं, ठीक है सबका करवाने का अपना अपना तरीका है, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, सब अपने अपने तरीके। थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे जो महाराजा हरि सिंह क्लासिक है, ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था जम्मू में? ये हमने बस अभी 2024 में ही शुरू किया है, पहला कंपटीशन, पहला कंपटीशन था हमारा। अच्छा, और आगे भी होते रहेंगे? आगे हम कराएंगे, अभी हम करवाने वाले हैं, थोड़ी देर में डेट अनाउंस कर देंगे। पावर लिफ्टिंग
आर्म रेसलिंग और अपना ये डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस का कॉम्पिटिशन। तो महाराजा हरि सिंह क्लासिक जो आप कंपटीशन करवा रहे हो, इसको एक ऑर्गेनाइजर का नाम भी दे सकते हैं हम। हाँ, मतलब हमारी टीम है, हम फेडरेशन कह सकते हैं। हाँ, हम दो तीन फेडरेशन, अभी हम मतलब इसको फेडरेशन नहीं कह सकते, फेडरेशन तो हाँ लगा लो, फेडरेशन ही कह लो, मतलब प्राइवेट फेडरेशन कह लो। इसमें गवर्नमेंट का कोई है आपको साथ? नहीं, गवर्नमेंट का कोई अभी तक कोई नहीं है, बस हाँ हमारे साथ स्पोर्ट्स काउंसिल जुड़ी है। स्पोर्ट्स काउंसिल जुड़ी है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें युवा आ रहे हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं? ये महाराजा हरि सिंह क्लासिक का जो हमने पहला कॉम्पिटिशन करवाया, हमें लगा नहीं था इतने लोग आएंगे हमारे कॉम्पिटिशन में, बट आए लोग, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने उनके लिए सब कुछ रखा था, कैश प्राइज भी रखा था, बाकी गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे थे, ताकि एक जो प्लेयर है वो अपनी मेहनत, इतनी मेहनत करके आता है, मैं खुद इस लाइन से मुझे पता कितनी मेहनत लगती है, तो मैं नहीं चाहता वो खाली हाथ हो डिस्करेज होके जाए, तो इसलिए हमने ना मतलब टॉप 10 तक जितने भी लोग थे उनको कुछ ना कुछ दिया, हमारी खुद की कोशिश थी, अभी हमने खुद से ये किया है, जो भी मेरे टीम मेंबर है खुद से किया हमने, जितने भी हमारे, बहुत मुश्किल था करवाना ये, खुद से हमने जो थोड़ा अपने फंड्स इकट्ठे करके हमने खुद से कराए, कि हम मतलब मैं चाहता हूँ कि हम भी इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें, प्लेयर्स के लिए कुछ करें, तो हमारी यही सोच थी, इसीलिए हमने ये कॉम्पिटिशन करवाया। तो फ्यूचर है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, आपको तो इतने साल हो गए, जो लड़के इस समय बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम जम्मू की स्टेज पर जाएं या देश के अलग अलग राज्यों में अपना हुनर दिखाएं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका कोई फ्यूचर है बॉडी बिल्डिंग का? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बॉडी बिल्डिंग कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पोर्ट नहीं है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती आपको, आप सोचोगे कि इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कुछ नहीं करेगी, कोटा कोई कुछ नहीं, स्पोर्ट्स कोटे में भी बॉडी बिल्डिंग बहुत लिमिटेड है, कोई जैसे हमारा कोई जम्मू का भी बॉडी बिल्डर जिसको कोई जॉब मिली हो गवर्नमेंट में, बॉडी बिल्डर को नहीं मिली है, पावर लिफ्टर को मिली है, बॉडी बिल्डर को कुछ नहीं, बॉडी बिल्डर को किसी को अभी तक जॉब नहीं मिली है, कोई जॉब नहीं मिली। फिर किस तरह से इतने मेडल, हम अपने मतलब जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बॉडी बिल्डिंग में कोई जॉब अभी तक तो कोई जॉब नहीं मिली। हाँ बाहर किसी को मिली होगी, मिली भी है, रेलवेज में मिली है, बट वो है उनको, उनकी ना एक फेडरेशन है जो उनको पुश करती है, इतना स्कोप नहीं है कि आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, नौकरियां लगेंगी इससे, वो कुछ नहीं। अगर ये हम माइंड में लेके चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता वो फिर वो करियर उसमें बनेगा, कि आप सोचोगे बॉडी बिल्डिंग करके आपको जॉब मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गुरु जी आप हमें ये बताओ, अगर कोई कोच है नॉर्मल गर्ल से जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, उसने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप जब कभी उससे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई इसमें इतना एक्सपीरियंस है, तो उसका कोई फ्यूचर है? वो कितनी सैलरी पे जॉब कर रहा है, उसका कोई फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ J&K में ना ट्रेनर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, नहीं इतनी कोई वैल्यू। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ पे लोग समझते नहीं है कि फिटनेस, मतलब फिटनेस कोच कोई चीज होती है, वो भी पढ़ लिख के अपने एक्सपीरियंस से आपको करा रहा है। फिटनेस कोच वो डॉक्टर भी तो है, क्योंकि है ना, काइंड ऑफ डॉक्टर है, बस उसके पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, लेकिन जो उसने अपनी सर्टिफिकेशंस करी है, अगर किसी ने सर्टिफिकेशन करी है तो वो अपने फील्ड में वो सर्टिफिकेशन है उसकी, मतलब एक्सरसाइज करवाने में। लोग तो काफी सड़कों पे दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका मोटापा कम नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं एक फिटनेस वो गाइड वही करेगा ना, लोग उस चीज को महत्व नहीं देते, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है बस इन्हें, आजकल YouTube का चैनल लोग वहीं से देख रहे हैं। लेकिन देखो सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया है वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या इन्फॉर्मेशन गलत है। आप गूगल कर लो किसी भी चीज़ को लेके, गूगल इज़ अ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है ना, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कल को मैं भी कुछ टाइप करके उस पर डाल दूँ गूगल पे, वो शो ज़रूर करेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि आप इसको मानो ये सही है या ये गलत है, वो ये नहीं बताएगा आपको, उसमें बंदे की खुद की सेंस चाहिए कि ये सही है या गलत है। तो थोड़ा सा पीछे हम आते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आप कॉमर्स कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, जिन दोस्तों को देखकर आपने सोचा कि एक दोस्त का आपने नाम लिया था कि उसकी बॉडी थी, तो आपको लगा कि यार मैं मोटा हूँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा, जो वो दोस्त उस समय थे आज से 10 साल पहले, वो अभी भी आपके साथ हैं? वो नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, मतलब उनका सबका हट गया, और मैं इस मतलब वो लोग प्रोफेशनली नहीं थे इस फील्ड में, तो मैंने मतलब मेरा पैशन तो शुरू से था, मेरे को था इसका क्रेज़ शुरू से, तो मैं तो इसमें इसको अपना पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया मैंने। तो आप तो, मेरे ख्याल से आपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी बहुत सारे लड़े जम्मू? हाँ काफ़ी सारे जम्मू में लड़े हैं, बाहर लड़े हैं। सबसे पहला कब लड़ा था? 2020 में। हाँ। आज से 4 साल पहले। हाँ 4 साल पहले जम्मू में टीचर भवन में हुआ था। तो वहाँ पे क्या रैंक आया था? वहाँ मेरे को ब्रॉन्ज मिला था। अच्छा पहला कॉम्पिटिशन था। तो उसके बाद
उसके बाद फिर 2021 उसके बाद लॉकडाउन हो गया 2020 आप कह रहे हो कि आपने चार कंपटीशन लड़े हैं चार साल से कंपटीशन लड़े हैं और आपके मेडल तो 25 से 30 मेडल तो हमने आज देख लिए। ये इतने सारे मेडल जो हमने आज देखे हैं और हम स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ये इतने सारे मेडल चार सालों में कैसे, मतलब ये मैंने चार सालों में ही सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं, एक के बाद एक। जम्मू में भी खेला, बाहर भी खेला, दिल्ली खेला, चंडीगढ़ खेला, ऊना हिमाचल प्रदेश खेला, और सिक्किम गया था मैं। अच्छा। वहाँ खेला था, वहाँ मेरी प्लेस नहीं पड़ी थी सिक्किम में, मैं थोड़ा बीमार हो तो हम आपको बता दें ये गौरव जी के तमाम जो मेडल्स और ये ट्रॉफीज़ जो हैं ये आधी हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने अपने दूसरे घर में रखी हुई हैं। बहुत गर्मी थी, हम वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि बहुत सारी ट्रॉफीज़ इनकी और भी पेंडिंग है, लेकिन ये तमाम सारी उपलब्धि आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत इसमें लगती होगी। गौरव जी आप हमें ये बताओ कि जब आप कॉलेज की स्टडी कर रहे थे तब आपने सोचा नहीं कि मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, कहीं कोई टेस्ट देता हूँ, कोई इंटरव्यू देता हूँ, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे, कुछ ऐसा माइंड में नहीं आया कभी? देखो मेरे को कभी ना गवर्नमेंट जॉब का इतना नहीं था। हाँ मेरी मम्मा मेरे को ज़रूर पुश करते थे, फॉर्म भरकर पेपर दे। मैं बोलता था यार मम्मा मेरा उसमें इतना वो नहीं होता, माइंड नहीं आया। बट हाँ मैं ज़रूर प्राइवेट सेक्टर में गया था, मैं दिल्ली गया था कुछ टाइम के लिए जॉब करने के लिए, पर मेरे को पापा ने अलाउ नहीं किया था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में जब आप बॉडी बिल्डिंग के लिए गए, जब आप किसी जिम में जाने लगे तो काफी खर्चा है इसमें ना, जिम की फीस अलग है। हाँ। वो तो कुछ नहीं, वो तो आम बंदा दे सकता है, 1000-2000 रुपए क्या है खर्चा, जिम की फीस नहीं है खर्चा, प्रोटीन वगैरह ना जो खर्चा है, कैसे किया आपने मैनेज? डाइट है। मैंने थोड़ी देर प्राइवेट जॉब करी है, जॉब के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी करी। पहले मैं बाहर चला गया था, मेरे को पापा ने बाहर जाना अलाउ नहीं किया था, वो उनके अपने रीजन थे कि नहीं बेटे को बाहर नहीं भेजना है या जो भी, तो वो चाहते थे कि मैं उनके पास रहूं, उनकी हेल्प करूं उनके बिजनेस में। तो कोई और भी बिजनेस है आपका? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप हर चीज, मतलब गर्मियों में इस समय तो काफी आपके मजे होंगे, एसी वगैरह। हाँ सब कुछ है हमारे पास, तो बस वही थोड़ा मोबाइल्स का भी है, मेन इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पापा का था कि अपना बिजनेस देखे, बाकी मेरे पापा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, तो उनको होता है कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए, उन्होंने यही रीजन था कि मेरे को बाहर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेजने दिया। बट मेरी मम्मा का था कि थोड़ा सा ना जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, गवर्नमेंट जॉब रहता है, किसी हर किसी की माँ को रहता है कि मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करे, सरकारी नौकरी करे, है ना। तो उस टाइम तो इतना मेरे पास मेडल नहीं थे जब मैं, तब तो शुरुआत थी, तो उस टाइम फिर मैंने मतलब जिम नया जाना शुरू किया था, तो साथ मैं मेंटेन करता था, तो मैंने थोड़ी देर जॉब करी, फिर जॉब करके पापा ने वो भी नहीं मेरी छुड़वा दी, जॉब भी नहीं छुड़वा दी, पापा ने कहा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, अपना ही देखो। हाँ तो फिर मैं वही मार्केटिंग वगैरह अपने बिजनेस को लेके करता था, हमारा होलसेल का था जो भी वो करता था उस टाइम पे मेरा प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम शुरू हो गया था। उसमें से मैं कुछ अपना मतलब मेरे को पापा सैलरी देते थे। अच्छा। मेरे को पापा प्रॉफिट नहीं देते थे मेरे को, मैं पापा को बोलता था मैंने सैलरी लूंगा। अच्छा। आपसे ठीक है, मेरे को पता था मेरा महीने का जो भी 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होता है ये मैं अपनी पॉकेट में, 20-25 हज़ार रुपया इतना लग जाता है सिर्फ खर्चा, ये मतलब सिर्फ बॉडी के ऊपर, ये सिर्फ प्रोटीन है? नहीं प्रोटीन नहीं है, मतलब ऑल ओवर पूरा खर्चा 20-25 हज़ार रुपया। अगर भाई एक महीने में इतनी सैलरी हमारी भी नहीं है, अगर किसी प्राइवेट दुकान पे या फिर कोई बिजनेस अगर आप करेंगे, किसी के आगे काम करेंगे किसी ऑफिस में, तो सैलरी जो है 10-15-20 के आसपास रहती है, लेकिन 25 हज़ार रुपया अगर एक बॉडी बिल्डर अपने शरीर के ऊपर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं जब वो एक ऐसा हुनर दिखाता है स्टेज पर तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता बॉडी बिल्डिंग बेसिकली एक एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन उसके लिए जिसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ने हैं। हाँ देखो मैंने अपनी बात की क्योंकि मैं प्रोफेशनली, मेरा प्रोफेशन है, मैं इस प्रोफेशनली कम्पीट करता हूँ, और नॉर्मल किसी को अगर फिटनेस के लिए चाहिए उसको, उसके लिए प्रोटीन, मैं तो कहता हूँ उसके लिए सप्लीमेंट भी जरूरी नहीं है। अच्छा नहीं जरूरी? नहीं जरूरी, क्योंकि उसका प्रोटीन दिन में वो पूरा कर लेगा अपनी। अच्छा, रोटी फुल्का दाल चावल से? देखो फुल्का उल्का मतलब अब क्या बोलते हैं, ये पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ें हैं ये, अगर मैं इसको इलैबोरेट करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब घर का नॉर्मल खाना, चावल दाल जिसमें कुछ कार्ब्स और आपको प्रोटीन और बाकी चीज़ें मिल जाएँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ, अब फ्रूट ये वो जो भी है ये खा के आप कर सकते हो, फिट रह सकते हो। हाँ लेकिन ऐप शैप आपकी तरह ये डोले, आपकी तरह ये देखो ये भी आएगा, बट वो जो नेचुरल होगा ना, मतलब आई मीन टू से कि जो भी घर के खाने पे नॉर्मल जो फिटनेस के लिए, उसमें उसको वो उसका इतना मसल मास मेंटेन नहीं कर पाएगा ना, वो बना ही नहीं पाएगा उतना मसल मास, क्योंकि वो उतना खुराक नहीं देगा अपने शरीर को, हमको जबरदस्ती डालना पड़ता है अंदर प्रोटीन। हाँ प्रोटीन सब कुछ जो भी है यहाँ तक, मतलब मेरी दिन की
चार से पांच, कभी कभी छह मील, जब कंपटीशन होता था छह मील। मील शीट कौन प्रिपेयर करता है आपकी? ये मैं खुद करता हूँ। खुद ही कर लेते हो? जो मन आया खुद ही प्रिपेयर किया, खा लिया खुद। तो सुबह दोपहर शाम कौन सा समय अच्छा लगता है आपको एक्सरसाइज जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए कौन सा समय अच्छा लगता है? मैं बेसिकली दो टाइम जाता हूँ जिम। दो टाइम वर्कआउट, मतलब सुबह भी? सुबह मैं अपना कार्डियो वैस्कुलर ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, अपना कार्डियो एब्डोमिन एब्स वगैरह वो। तो चार पाँच घंटे उसके लिए भी चाहिए आपको पूरे दिन में? पूरे दिन में लगा लो 3 घंटे। तो रेस्ट भी जरूरी है? रेस्ट भी जरूरी है। तो आपने 2023 में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ा था? 2023 में हाँ लड़ा था जम्मू में। तो 24 में क्यों नहीं आप स्टेज पर दिखे फिर? 24 अभी मैं लंबी तैयारी में जाने के चक्कर में हूँ थोड़ा। अच्छा, लंबी तैयारी में। देखिए आज इस इंटरव्यू में खुलासा और हो गया है। बड़े सारे लोगों के सवाल थे कि गौरव इस बार स्टेज पर नहीं दिखा यार, तो वो खुलासा हो गया कि इन्होंने अभी लंबी तैयारी में है। अभी कौन सी स्टेज में दिखेंगे, देश के किस राज्य में दिखेंगे या फिर बाहर किसी कंट्री में दिखेंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस इंटरव्यू में यह खुलासा हो गया है कि गौरव जी ने 2024 में कंपटीशन इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो बड़ी तैयारी में है। तो गौरव जी आप हमें यह भी बताओ कि जो बच्चा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इस समय लड़ना चाहता है जम्मू में, तो उसको अगर आप चाहो कि सपोर्ट करनी है कि भाई तेरे पास अगर पैसा है तो तू इस लाइन में आ, अगर वो एक बेचारा नॉर्मल जॉब कर रहा है 10-12-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये पे, तो आप उसको कहोगे कि भाई तू बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़, तू स्टेज पे चढ़? अगर उसको घर से सपोर्ट नहीं, नहीं मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। देखो वो पैसा खर्चेगा अपने पर लगाएगा, लेकिन उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ इन रिटर्न उसको मिलेगा कब? जब वो अपने 10-12 साल इस चीज़ को देगा, तब तक तो खाली हो जाएगा। अगर उसके पास इतना बैकअप है, इतना, मैं तो यही बोलूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में बंदा वही घुसे जिसके पास बैकअप है, जिसके पास सपोर्ट है, या वो खुद कुछ कर सकता है, वो खुद मैनेज कर सकता है, जैसे हम भी कर रहे हैं। अच्छा। हमें कोई, मेरे घर वाले मेरे को बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी सपोर्ट नहीं करते थे, शुरू से नहीं करते थे। हाँ अब थोड़ा सा जब मैं ये थोड़ी अचीवमेंट्स मेरे को मिली है तो मेडल ट्रॉफी सही तो लगा घर वालों का, अब उनको लगता है कि नहीं ये कुछ कर रहा है। और इसी फील्ड से लोग मेरे को जम्मू में इसी फील्ड से जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, अपना जम्मू को बाहर भी रिप्रेजेंट करके आया हूँ मैं, तो थोड़ा मेरे को भी अब होता है कि यार चलो ज़्यादा नहीं, कुछ लोग तो जानते ही हैं इस कम्युनिटी से, लोग जानते हैं इस, जो मैं जिसको मैं अपने ब्लड लाइन कहूँगा, अपनी जिम की ब्लड लाइन, वो लोग जानते हैं और उनको सबको पता भी है मेरे बारे में, वो जानते हैं अच्छे से। तो मेरे लिए ना वही एक चीज़, देखो प्लेयर के लिए ना, मेरे लिए स्टेज पे पैसे मैटर नहीं करेंगे, मेरे को रिटर्न कैश मिलेगा ना, मेरे लिए उसकी अहमियत नहीं है। मेरे लिए अहमियत है उस मेडल की, उस ट्रॉफी की। वो उस चीज़ को कोई, मतलब मैं बोलूँगा वो करोड़ों रुपए भी देगा ना, तो वो वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। बेशक उस ट्रॉफी की वैल्यू 1000-2000 रुपये हो, मतलब वो फीलिंग स्टेज पे जब आपको होते वो एक अलग फीलिंग है। तो गुरु जी, जिस तरह जितने मर्जी पैसे खर्च लो आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह से जम्मू में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, तो मैं जिन भाइयों से बातचीत कर रहा हूँ वो कहते हैं कि हम सिक्किम में गए, राजस्थान में गए, दिल्ली में गए, पंजाब में गए, तो जब जम्मू में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं वहाँ के युवा यहाँ क्यों नहीं आते, बहुत कम आते? देखो मैं आपको बता दूँ, बेसिकली क्या है, प्लेटफॉर्म की बात है। अभी जैसे महाराजा हरि सिंह क्लासिक, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, स्टार्ट किया, ये हमारी शुरुआत है। अच्छा, इसको धीरे धीरे हम आगे लेके जाएंगे, मैं चाहता हूँ इसको हम बढ़ाएंगे। देखो फेडरेशन यही है। अब क्या होता है, जो जैसे जैसे बाहर जाते हैं लोग, हमने सुना लुधियाना में कंपटीशन हुआ है, सिक्किम में हुआ है, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये क्या होता है, जो फेडरेशन है ना ये मूव करती हैं, इनको जहाँ से, मतलब जहाँ से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलती है या जहाँ पे लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि हम आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, आप हमारी सिटी में कंपटीशन करवाओ, तो वही होता है वो, वहाँ वो ओपन होता है सबके लिए। तो अगर मेरे को पता चलेगा वो कंपटीशन अच्छा है, वहाँ पे जजिंग पैनल अच्छा आ रहा है, वहाँ पे कैश प्राइज आपको मिल रही है, देखो कुछ ना वहाँ युवा जाएगा। अच्छा, अब वही प्लेटफॉर्म हम जम्मू में लेके आए हैं, प्राइस बढ़ा दोगे? हाँ, इस बार हमने प्राइस थोड़ा रखा था। कितना था इस बार प्राइस? इस बार हमने ओवरऑल 5 लाख रुपए बांटा है। अच्छा, 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर प्राइजेस, हाँ सब कुछ। अच्छा, ठीक है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको लगता है कि ये फेडरेशन और उजागर होगी जम्मू में? हाँ, अगर हमें प्लेयर्स की सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली। और देखो हमने जो कंपटीशन करवाया था, हमने अपने से 100% कोशिश यही करी थी कि इस कंपटीशन में कोई भी मतलब मिस हैपनिंग ना हो या मिस जजमेंट ना हो, है ना, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो बड़ी मेहनत करके आता है, बहुत मेहनत लगती है। और अगर ये चीज़ हो जाए, हमारे साथ हुई हुई है, बहुत बार हुई है, मेरे साथ हुई है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे साथ बहुत बार स्टेज पे बीट किया, आपको पता होगा किस तरह से जब बंदा मेहनत करता है तो वहाँ पर 19-20 का कुछ हो जाए, हाँ, तो बंदे में कितना गुस्सा रहता, हाँ, है, तो कुछ ना कुछ युवा जो वो टूट भी जाते हैं, वो कहते हैं यार इनको मजा नहीं आ रहा, डिस्करेज हो जाते हैं। जो नया जो पुराना प्लेयर होगा ना उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखो मैं जाऊंगा ना स्टेज पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे को फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला। अच्छा,
मेरे को मतलब मेरे लिए ये होगा कि मैं इस पिछले साल से इस साल बेटर होके स्टेज पे आया हूँ। अच्छा। और अब कोशिश रहेगी नेक्स्ट साल इससे और बेटर होके जाऊँ, तो जिस दिन मैं टॉप पे होऊंगा उस दिन मेरे को ऑटोमेटिकली प्राइज मिलेगा। तो प्राइज के चक्कर में डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही जो भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको यही बोलूंगा, तुम स्टेज पे आए हो ना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। कितनी पॉपुलेशन है कोई जाता है स्टेज पे? नहीं 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 जाते, क्योंकि वो स्टेज पे जाने लायक ही नहीं है, वो कैसे जाएंगे? बिल्कुल सही बात। जो बंदा कड़ी मेहनत करता है, मतलब जैसे मैंने करा है, मैं आपको सही बताऊं, मैं मार्केट जाता था, मैंने सुबह 5 बजे उठना, अपनी मील्स बनानी है, मुझे पता मेरा दिन जो है पूरा दिन बाहर होगा। घर वाले कितनी बार मील बना के देंगे, है ना? घर वो तो बोलते थे हम तेरा बनाए अपना बनाए, अब मैं बोलता था आप ये छोड़ दो मैं अपना खुद बना लूंगा। बॉडी बिल्डिंग का बड़ा डिसिप्लिन होता है, हाँ। है ना? और सबसे बड़ी चीज की ना इसमें मेरे को ना ट्रस्ट नहीं होता। अब माँ क्या है, माँ को प्यार है, माँ थोड़ा सा तेल ज्यादा डाल देगी कि बच्चा ये ऐसा रूखा सूखा खा रहा है, नहीं ये अच्छा खाए, थोड़ा घी ज्यादा डाल देगी। और मेरा होता है हमने पूरा कैलकुलेट करके खाना है, इतने ग्राम खाना तो इतने ग्राम ही खाना है। तो 5 बजे उठ के ही मतलब अपनी मील तैयार करनी है। 5 बजे उठ के अपनी 3-4 मील तैयार की, बैग में डाली, सुबह गया जिम से वापस फिर चले गए अपने काम पे, मार्केट जो भी, मैं पूरा दिन बाहर ही होता था। अच्छा, मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग करी, कलेक्शन करी अपना जो भी है। शाम को मेरे को पता था 5 बजे मेरी जिम जाने का टाइम है, तो मतलब मेरे को इतनी जल्दी होती थी कि मैं मार्केट जो है अपनी छोड़नी भी नहीं है और कवर भी करनी है। तो मैं ऐसा प्लान करता था कि वो शाम को 5 बजे तक मार्केट करके फ्री हो जाता था, 5 बजे घर पहुंचे, 6 बजे अपना 5 बजे आके खाया, 6 बजे फिर जिम चले गए, फिर तो अपना वर्कआउट किया। लग गया था आपको बॉडी बिल्डिंग का? भैया मैं कहता हूँ मेरे को ना इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, पता है सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है, इतनी मील्स बनानी है, आज इस मार्केट में जाना है, इस मार्केट में जाना, वापस आके फिर जिम जाना है, तो यही मेरा पूरे दिन का प्लान होता था। तो अभी आप जहाँ जिम करने जाते हो तो वहाँ लग रहा है कि आपको जो युवा इस समय जिम आ रहे हैं तो आपको तो एक नज़र से लग जाता होगा कि जब आप बच्चों पे नज़र घुमाते हो तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों में पैशन है, वो चाहते हैं कि हम भी गौरव भैया की तरह बने? देखो बॉडी हर कोई बनाना चाहता है, आप भी चाहते हो कि मेरी बॉडी अच्छी हो, मैं बनाऊंगा ना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। देखो बात आ गई वही, बनाना हर कोई चाहता है लेकिन उसके लिए करना कोई कुछ नहीं चाहता। अच्छा। तो इसमें क्या है, अब देखो मैंने आपको बताया मेरा भी पूरा बिजी शेड्यूल था लेकिन मैं टाइम निकालता था। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा। बिना टाइम निकाले आप कैसे दोगे? और इसमें आपको डिसिप्लिन तो 100% मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेरे फ्रेंड्स नहीं है क्या, वो भी मेरे को शाम को बोलते हैं, फोन करते हैं आ जाओ आज चलते हैं कहीं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। अच्छा। मैं तो स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ नहीं भाई, मैं तो मन करता है कभी जाने का बाहर। हाँ करता है, अगर मैं चले भी जाऊँ बाहर तो फिर मेरा ऑप्शन अलग होता है। लेकिन मन को मार देते हो बाहर जाके? नहीं मन नहीं मारता मैं, अब तो अब मतलब अब ऐसा नहीं है, अब मन नहीं मारता, मेरे को पता है मेरे शरीर के लिए चीज खराब है। अच्छा। तो मैं नहीं खाता। तो लास्ट टाइम घूमने कब गए थे, मतलब ऐसे रिलैक्स होकर 3-4 दिन के लिए? तो कभी कोई लास्ट टाइम? पिछले साल गया था मैं। अच्छा। कॉम्पिटिशन खेलने के बाद घूमने गए थे? हाँ। दोस्तों के साथ श्रीनगर? हाँ घूमने गया था। मजा आया था उस समय घूमने में? हाँ, उस समय जब आपने एक्सरसाइज नहीं की होगी, वर्कआउट नहीं किया होगा तो लगा होगा या कुछ शूट रहा है 4-5 दिन उस टाइम, फिर माइंड में ऐसा था ना मैं भाई पूरा इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, 4-5 दिन के लिए रिलैक्स करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर जब स्टेज पर कंपटीशन लड़ने जाता है, अगर वो 1-1.5 हफ्ता, मतलब ये सवाल सबके जहन में होगा कि अगर वो 15-20 दिन जिम नहीं करता तो उसके स्टेज में कोई इंपैक्ट पड़ता है, कोई मसल उसका डाउन होता है? देखो इसके पीछे ना थोड़ी सी साइंस है जो मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, पहले जो 4-5 दिन है ना उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ नहीं महसूस होगा। अच्छा। फिर 5 दिन के बाद ना बॉडी एकदम से डाउन जाएगी। वो क्या रीजन? क्योंकि उसको आदत नहीं है ना। अच्छा, उसको आदत है वेट उठाने की, रोज वेट उठा रहे हैं, हमारे मसल को पता है आज हमने ट्रेनिंग देनी है। तो हमारा जो माइंड है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी में। तो हमारे माइंड को पता होता है कि हम ये यार आज ट्रेनिंग पे नहीं गया, मतलब 5 दिन वो कहता है कि अच्छा चलो हो सकता है कुछ नहीं हुआ नहीं गया, मेंटेन रखते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद वो एकदम से सडन ड्रॉप जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो 5-6 दिन बाद दोबारा से जिम जाएगा ना उसको थोड़ा सा वीक फील होगा। अच्छा। क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं रही उस चीज़ से, उसको थोड़ा सा वीक, लेकिन वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा और 2-3 दिन में उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। इस समय गर्मियों का सीजन है, लोग जिम भी जा रहे हैं, पारा जो है 45-50 के आसपास जम्मू में पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि जिम में जो युवा जा रहे हैं या लड़के हैं लड़की हैं जिम जा रही हैं, क्योंकि आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिम में एसी लगे हुए हैं, ठीक है, तो वर्कआउट करते समय एसी सही है? अगर पसीना आ रहा है किसी को तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि चक्कर ना आ जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बंदा बेहोश ना हो जाए? पानी कितना जरूरी है, उसके लिए
कौन सी चीज उसको अपने साथ रखनी चाहिए या फिर शेकर में रखनी चाहिए, इसमें हम प्रोटीन ऐड नहीं करेंगे ना हम क्रिएटिन ऐड करेंगे, कुछ ऐसी नेचुरल डाइट जो आराम से दुकान से मिल जाए और वो उसको जिम लेके खाए, जिम में जाए उसका यूज करे ताकि वो जिम में आसानी से अपना वर्कआउट कर सके। देखो वो चीज दुकान से भी क्या, वो आपको घर पे ही मिल जाएगी, सबके घरों में होता है। अच्छा। एक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, नॉर्मल पिंक सॉल्ट ना भी हो, नॉर्मल सॉल्ट जो घर पे हम किचन में यूज करते हैं, सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी, ठीक है चीनी नहीं है हनी डाल लो, ठीक है और उसमें डालो नींबू, एक नींबू निचोड़ लो, वो शेकर पूरा भर लो, वो अपने साथ रखो, आप लेके जिम चले जाओ, जिम चले जाओ। तो जिम में जो एसी लगे उनका कोई रोल नहीं है, एसी लगे हैं बहुत अच्छी बात है, एसी लगे अच्छी बात है। हमारे जो है बॉडी को जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी थर्मोजेनेसिस में जाती है, तो उसमें और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। अच्छा। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, जो उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 22 टू 24 डिग्रीज तक मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपको सफोकेशन ना हो या आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप आराम से आपका रिलैक्स होकर अपना जो है वर्कआउट लगा पाओ। अगर आप बॉडी ऑलरेडी जो वर्कआउट कर रही है वो ऑलरेडी एक टेम्परेचर पे जा रही है और उस और गर्मी होगी तो कैसे आप वर्कआउट कर पाओगे इन गर्मियों में। अगर इन गर्मियों की अगर बात करें, काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि आपको बॉडी बिल्डिंग की नहीं और भी जानकारी काफ़ी होगी, क्योंकि आपको लगता है कि किस तरह से इस शरीर के लिए ये चीज़ सही है। तो अगर गर्मियों से बचने के लिए आज के समय जो गर्मी चल रही है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट खाया जाए या कौन सी चीज़ खाई जाए जिससे कहीं ना कहीं घर बैठे ही गर्मी से राहत मिले। हालांकि गर्मी तो लगेगी, लेकिन शरीर के लिए ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हम खाएं तो वो गर्मियों में सही रहेगी। गुंदगदीरा सबके घर पे होता है। अच्छा, गुंदगदीरा। हाँ, गुंदगदीरा। अच्छा, वो खाए, वो खा सकते हैं। गुंदगदीरी में थोड़ा सा आप हल्का सा दूध डाल सकते हो, वो नहीं है, मैं आपको एक जो देसी वो बताता हूँ जो आपको ठंडा रखेगी, जो आपके शरीर को ठंडा रखेगी। बेसन होता है, थोड़ा सा बेसन, उसके बीच में गुंदगदीरा डाल लो, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड कर लो थोड़ा सा टेस्ट के लिए, उसको मिक्स करके आप पी लो। तो आप अच्छा, आप ये भी बताओ कि जो प्रोटीन आजकल दुकानों में, आजकल तो काफ़ी दुकानें हो गई हैं, पहले तो जम्मू में ऐसी नहीं, आज से 4-5 साल पहले ये दुकानें बहुत कम थी, लेकिन अब ये दुकानें हर एरिया में फैल चुकी हैं, हर 4-5 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको एक प्रोटीन की दुकान मिल जाएगी। तो क्या आम बंदा बिना जिम जाए या फिर बिना किसी से पूछे अगर वो जाए दुकान से डब्बा उठा ले और वो खाए तो उसको सही है, वो सही लगेगा उसको? हाँ, उसके शरीर में सही है वो? हाँ, कुछ नहीं होगा, वो किसी से नहीं पूछे? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या देखो, हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर के लिए जो है तीन बेसिक चीज़ें जो है वो नेसेसरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये तीन चीज़ें जो है हमारे शरीर का फ्यूल है, जैसे डीजल गाड़ी में डीजल पड़ता है, पेट्रोल में पेट्रोल पड़ता है ना, वैसे हमारे शरीर का ये फ्यूल है, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। अच्छा, ठीक है। अब इनकी मात्रा को एडजस्ट करना होता है ऊपर नीचे, वो शरीर के वजन के हिसाब से, ठीक है। कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज बर्न, ये क्या होता है? कैलोरीज जो होती है, हर खाने में आपको कैलोरीज मिलती हैं, जैसे प्रोटीन में 1 ग्राम में आपको मिलेगी 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में मिलेगी 4 कैलोरीज, और फैट्स में मिलेंगी आपको 9 कैलोरीज 1 ग्राम में। अच्छा, तो ये जिम में जो ट्रेडमिल लगी हुई है, हाँ, तो उन पर रनिंग करने से फैट लूज होता है? खाली मतलब होता है, आप बोलोगे कि खाली, अगर हम खाली उसी पे बात करें, लोग रनिंग करते हैं, नहीं वो बेवकूफ़ी है, हा? उससे कुछ नहीं होगा। जो 1-1 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडमिल कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, अनटिल अनलेस वो अपनी मतलब डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी भाग लो। मतलब ट्रेडमिल करने से वेट लॉस नहीं होता? सिर्फ ट्रेडमिल करने से वेट लॉस नहीं होता, ट्रेडमिल हम भी करते हैं ट्रेडमिल, लेकिन हम उसको नहीं, यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर कोई भी जो जिम आ रहा है वो सिर्फ ट्रेडमिल करके जा रहा है, वो सोच रहा है मेरा पेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक वो अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेगा और वो मतलब उसकी बॉडी में मसल बिल्डअप नहीं होगा, वो सिर्फ मतलब वॉक करता रहेगा और ज्यादा समय तक करेगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरे भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो गौरव जी को अच्छी लगती है, जब समय मिलेगा? हालांकि समय तो नहीं मिल पाएगा आपको कभी भी इतना, नहीं, समय जब कुछ करना हो उसके लिए समय निकाल लेते हैं, जब इस सब के लिए समय निकाल सकते हैं तो किसी चीज के लिए। अच्छा, घूमने के लिए जब कोई देश में कोई भी राज्य आपको कोई कोना ऐसा जो आपका पसंदीदा हो, जिसमें आपको लगे कि मैं जाऊंगा एक दिन तो 15-20 दिन में यहाँ पे पूरी मस्ती करूंगा, तो कौन सा ऐसा? मैं आपको सही बताऊँ, मेरा मतलब अपना जम्मू छोड़ के ना कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जो पीस और जो शांति मेरे को जम्मू में मिलती है ना वो कहीं नहीं, क्योंकि हम बचपन से हमारी रोड पे ऐसा होगा ना जहाँ पे ज्यादा मिलती होगी, सुकून मिलता होगा वहाँ पे जाके। वो तो आप कहीं भी चले जाओ, जो आपके साथ सही है, आपके फ्रेंड्स हैं,
एटमॉस्फेयर अच्छा, वो तो आप कहीं भी एंजॉय कर लोगे। अच्छा। वो क्यों ना आप घर के छत पे एंजॉय कर लो, लेकिन दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त इस फील्ड में, दोस्त भी अच्छे तो होने चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि कोई चेहरे पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। देखो वो ये चीजें तो दुनिया में भरी पड़ी है, वो सिर्फ इस लाइन में नहीं है, हर काम में है, बिजनेस में है, हमारा बिजनेस है, हमारे कुछ चाहने वाले भी हैं, कुछ बदनाम करने वाले भी हैं, सेम इसमें भी है, वो तो हर जगह है। तो दोस्तों की सपोर्ट रही आपको अभी तक? दोस्त मतलब मेरे कुछ खास दोस्त है भी नहीं, मतलब मैं तो उनको, मतलब जो मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग में जुड़े हैं उनको मैं भाई मानता हूँ अपने, मतलब दोस्त भी हैं भाई भी हैं, तो जो लोग साथ रहते हैं वो रहते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई अकेला भी छोड़ देगा मैं अकेले भी रहूँगा इस फील्ड में। अब जैसे होता है ना कोई आज यार यार ये नहीं गया तो मैं अपनी एक्सरसाइज मिस कर दूंगा, तो मेरे लिए मेरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दोस्त ठीक है, दोस्त आ जाएगा बाद में। अच्छा। लेकिन जो मैंने काम करना वो मैं ही करूँगा ना, वो मेरी जगह मेरा दोस्त नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज वो नहीं करेगा। लेकिन हाँ एक दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक सच्चा दोस्त होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, लेकिन एक सच्चा साथी तो चाहिए। बोल सिर्फ बोल देना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती होती है जो दिल से निभाता है। तो इस जिम में आप हमें ये भी बताओ, बड़े सवाल रहते हैं इस प्लेटफॉर्म में, हालांकि इतने सवाल हैं कि अगर इंटरव्यू करना भी चाहें तो वो 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा, लंबा भी हो सकता है। गौरव जी कोई बिगनर अगर जिम आ रहा है, चाहे वो 12 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, बिगनर उसने कभी जिम नहीं देखा हुआ, वो अगर कोई जिम आया, अगर वो आप कोच भी रह चुके हैं, अगर कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन भी देते होंगे, तो कहीं अगर वो आपसे पूछना चाहे कि मुझे अपना शरीर फिट रखना है, तो सबसे पहले आप उसको किस तरह से कहोगे कि भाई तू नेचुरल डाइट खा, या तो प्रोटीन खा, या तो तू कोई नॉन वेज आइटम खा ले, किस तरह से आप उसको गाइड करोगे? देखो सप्लीमेंटेशन में ना एकदम से मतलब किसी को भी सजेस्ट नहीं करता अनटिल अनलेस, देखो वर्ड सप्लीमेंट नाम से ही पता चलता है सप्लीमेंट। आप बचपन में एग्जाम्स देते थे तो शीट सप्लीमेंट्री शीट मांगते ना, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, वर्ड सप्लीमेंट का मतलब है एक्स्ट्रा एडिशनल। अगर आप अपने खाने से सामान पूरा नहीं कर पाते, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते, तो आप प्रोटीन के लिए जाओ, या जिस चीज़ की आपको लग रहा है शरीर में कमी लग रही है वो आप घर के खाने से पूरा नहीं कर पाए तो उस सप्लीमेंट पे जाओ। अब काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स जो है मेडिकल स्टोर पे भी मिलती हैं, लोग उनको दवाइयाँ बोल देते हैं पर वो एक्चुअली में दवाइयाँ नहीं होती हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स कहते हैं सप्लीमेंट वाली। अब वो होते टैबलेट की फॉर्म में है या कैप्सूल की फॉर्म में, तो लोग बोल लेते हैं यार ये तो दवाई बता दी आपने, वो दवाई नहीं है। हाँ। हम भी खाते हैं, हमें सही कितनी बार लोग पूछते हैं यार आप इतनी दवाइयाँ खाते हो रोज। हाँ। बेसिकली वो दवाइयाँ नहीं है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, मल्टी वाइटामिन है, और काफी प्रकार की जो भी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट रहती है वो चीजें होती हैं। तो आप मैं जब भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखता हूँ ना कोई भी, चाहे मैंने जम्मू में देखा है या फिर बाहर देखा है, तो जो दर्शक आए होते हैं तो वो कहते हैं कि जो बंदा स्टेज पर कंपटीशन लड़ा कहते हैं इसने सौदा मारा है, सौदा सौदा क्या वर्ड है ये? देखो ये पार्ट ऑफ द गेम है, सौदा वो रेफर करते हैं स्टेरॉइड्स को, मेडिसिन को, स्टेरॉइड्स तो ये सही है मेडिसिन को? देखो ये सही तो नहीं है, लेकिन ये स्पोर्ट ही ऐसी है, जब आपको स्टेज पे कम्पीट करना है तो फिर आपको करना पड़ता है, यूज करना उसके बिना। देखो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप मतलब कोई चार लोगों का ग्रुप है, अब चार लोगों में मतलब चार लोगों में से तीन लोग जो है वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो एनहांस्ड है। देखो ये स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, इनको एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स क्यों कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद को एनहांस करते हैं थ्रू मेडिसिन, मेडिसिन के, ठीक है। तो वो तीन बंदे जो हैं, वो तीन बंदे स्टेज पे खड़े हैं, वो एनहांस्ड है, और एक जो है वो बेचारा नॉर्मल है, नॉर्मल। और मुझे बताओ वो तीनों के आगे दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो फिर तो कहीं स्टेज पे कम्पीट करने के लिए चीज़ जरूरी है? हमारे यहाँ पे इंडिया में एनहांस्ड कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और नेचुरल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। मैं एनहांसमेंट के फेवर में नहीं हूँ, बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो आपको एनहांस होना पड़ता है, तो आप क्या करोगे? करना है। जब आपको इस फील्ड में ही जाना, आपकी फील्ड यही है, तो फिर करना पड़ता है, इसी का यूज करना पड़ता है। मैं किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता, किसी एक बच्चे को छोड़ के किसी को भी नहीं रिकमेंड करता, मतलब सही नहीं है। अनटिल अनलेस आप किसी की राइट गाइडेंस के अंडर हो तो ही ये प्रोडक्ट, ये नहीं है कि यूट्यूब से देखा किसी की डोज। देखो हर कोई जो भी चीज़ है वो बॉडी के हिसाब से होती है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज सेट होती हैं, कोई बिगिनर है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई ऑलरेडी एनहांस्ड है, तो उसके हिसाब से होती है। अब तुम्हें कोई बड़ा बॉडी बिल्डर तुम्हें बता देगा यार ये डोज ले लो, तुम भी वो स्टार्टिंग में डोज ले लो, तुम्हारा उतना शरीर ही नहीं है, तुम्हारा पटाखा पड़ जाए। सही बात है। तो आपने जब ये चीज़ें सीखी हैं, आपको इतना ज्ञान हो गया है,
तो आपने किसी से सीखा या फिर खुद कहीं स्टडी करी है? ऑब्वियसली मैं हमेशा कोच के अंडर रहा हूँ और मैंने शुरू से जो है एक साल मेरा स्टार्टिंग में मैं मतलब ये अभी तक बात शायद किसी को पता हो कि नहीं पता हो, स्टार्टिंग में मेरा भी एक साल वेस्ट हुआ था, मेरे को किसी ने गुमराह किया था कि यार ये ऐसे 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 वैसे ये कुछ भी ले लूँ। अच्छा, मैंने वो एक साल अपना उस समय आपको कोई मिला नहीं था कोई अच्छा? मेरे को नॉलेज नहीं थी ना उस टाइम पे इतनी, क्योंकि उस वो जैसे आपने पूछा बिगिनर को, अब मेरे पास कोई बिगिनर आएगा भैया मेरे को तो उसको तो मैं यही बोलूंगा ना तू घर की डाइट खा, तेरे को जो भी जो तेरा डाइट प्लान, हाँ मेरे को जो मतलब गलत बंदे के इन्फ्लुएंस में आ गया मैं। अच्छा, तो एक साल मेरा खराब हो गया पूरा। उसके बाद फिर मैं किसी के अंडर आया जो मेरे कोच साहब हैं अभी भी, जो मेरे करंट कोच साहब हैं, मैं हमेशा मतलब अपने कोच के अंदर ही रहा हूँ। नहीं, वो चंडीगढ़ से बेसिकली बिलोंग जम्मू से करते हैं, वो बचपन में यहीं थे। हाँ मेरे से छोटे हैं बट मेरे हाँ मेरे से छोटे हैं वो, पर उनके लिए उनका ओहदा बड़ा ना। अच्छा, तभी उनको आप करके मुझसे प्रेम महाजन, प्रेम महाजन तो वो अभी जम्मू में नहीं रहते, वो चंडीगढ़ रहते हैं। तो आप उनसे फिर कैसे ऑनलाइन से मसला हल हो जाता है? देखो जब नॉलेज है, अब मुझे तो पता ना एक्सरसाइज कैसे करनी है। अच्छा, हाँ वो बीच में आते हैं मेरे पास यहाँ पे कई बार, कभी कभार मैं चक्कर लगा आता हूँ उनके पास। लड़ाई हुई है कभी इस लाइन में? कभी तगड़ी वाली लड़ाई हुई मेरी? हाँ। नहीं किसी से नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। कोई आता नहीं होगा लड़ने के लिए, बोलता हूँ इतना शरीर रख के है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है शरीर, ऐसा होता है। मैं भैया आपको सही बताऊँ, मैं पहले मतलब जब नरम स्वभाव क्यों मतलब आप? मैं बहुत वो होता था पहले ना, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था मैं, आप बोलोगे ना इस लाइन में आके मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया। इस लाइन ने मेरे को, इस लाइन ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, ये मेरे को डिसिप्लिन में रहना सिखाया, फालतू किसी के साथ नहीं बोलना वो सिखाया, मतलब किसी के मसले में ना पड़ना सिखाया। अच्छा, क्योंकि मैं ये पहले चीजें कर चुका हूँ और उसका मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट ही हुआ है, किसी की भी लड़ाई में घुस जाना है ना पहले, मतलब वो आपको पता है जब वो बचपन होता है तो बचपन में घर में जब शादियों के कार्ड छाड़ आते हैं रिश्तेदारों के, फैमिली काफी रिश्तेदार होंगे आपके, तो घर वाले भेजते हैं कि जा भाई इधर जा और अपना शगुन शगुन देके आ जा, तो कुछ खाते हो वहाँ जाके? फिर मैं अपनी मील साथ में लेके जाता हूँ शादी में भी, तो वहाँ पे जो लगा होता है वो कुछ नहीं खाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे भी। मतलब देखो ऑप्शन कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं घूमने भी गए हो ना वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, बट वो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि मेरे को ऑप्शन क्या चूज करना है, सही भी है चीज है नहीं आपके लिए। अब मैं वहाँ जाऊंगा, मेरे को दिखेगा मेरा वो सैलेड कॉर्नर लगा हुआ है, मैं वहाँ सैलेड खा लूंगा, खा लेना। और कोई जबरदस्ती करेगा भैया खाओ कुछ, मैं खा रहा हूँ। कोई फेवरेट चीज खाने वाली जो मन करता है कि खाऊं? मेरे को मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब बचपन से मीठे में क्या? मीठे में सब कुछ पसंद है, रसगुल्ले आइसक्रीम गुलाब जामुन सब कुछ पसंद है। अभी नहीं खाते? अब नहीं खाता। केक मन करता होगा खाने का? मन करता है बट फिर वही ख्याल आ जाता है ना कि नहीं अभी मेरे लिए सही नहीं है, अभी सही नहीं है। हाँ, क्रेविंग तो होती है, और खासकर क्रेविंग तब होती है जब हम कंपटीशन के स्टेज के आसपास होते हैं, तब बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। गुरु जी एक सवाल और है, इन गर्मियों में ना बियर बड़ी बिक रही है, बियर मतलब बियर समझते हैं आप, तो लोग कहते हैं यार गर्मियों में बियर पियो, क्यों? पता नहीं यार इसका लॉजिक मेरे को भी नहीं पता कि ठंडक पड़ती है उससे क्या ठंडक का पता नहीं, उसके अंदर अल्कोहल होता है, डैमेज जरूर करेगी, ठंडक क्या देगी वो? तो फिर ऐसा ठंडी ठंडी होती है तो फिर तो कोल्ड ड्रिंक में शराब डाल के पी लो। अच्छा, हाँ तो अल्कोहल इससे खाली शोषा ही है मतलब। बेसिकली बियर जो आती थी ना, मतलब जो पहले आती थी जो असली तरीके से बनती थी, जो ठंडी होती है इसलिए उसको बोलते हैं ठंडा डालती है वो, जौ से बनती है ना वो। अच्छा, जौ से बनती है। हाँ, जो जौ होती है जौ से बनती है वो। लेकिन अभी वो कहाँ मिलती है? अब कहाँ जौ से, अब तो दवाइयां डालते हैं। अब भाई नशा उसमें, नशा और दवाइयां। देखो है तो बियर पीना एक बहुत ही गलत चीज है ये, क्योंकि हानिकारक अल्कोहल है सेहत के लिए। लेकिन हमारा ये सवाल था क्योंकि अक्सर अभी मैं गर्मियों में देख रहा हूँ किसी को मैं बोलता हूँ गन्ने का जूस पी ले तू, यार वाटरमेलन खा ले, जैसे आज गौरव जी ने बताया कि बेसन, बेसन है ना बेसन, वो पूरे इंटरव्यू में आप सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन कुछ युवा कहते हैं कि चल यार बियर पीते हैं, बियर पीते हैं उससे ठंडक मिलती है, तो ये सवाल पूछा है तो गौरव जी ने कहा है कि वो बिल्कुल हानिकारक है, ऐसा कुछ नहीं होता उससे, वो सिर्फ उस समय के लिए ठंडक डालती है क्योंकि वो आपको ठंडी ठंडी देता है ना वो। हाँ, ठंडी सिर्फ फील होती है, होती थोड़ी ठंडी वो। बिल्कुल, तो वो चीज आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, वो एक अल्कोहल है, आप इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। इन गर्मियों से बचने के लिए गौरव जी ने बताया है कि आपको किस चीज का यूज करना है। गौरव जी हम एक छोटी सी, मैं इसमें एडिशन दे देता हूँ आपको, गर्मियों में आप कोकोनट वाटर पियो। अच्छा, जितना पी सकते हो, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखो, मैंने आपको बताया नींबू और वो भी पी, कोई भी पी सकता है। हाँ, वो कोई भी गर्मियों में पीना चाहिए। गोंद गतीरा पी सकते हो, पानी में डाल के गोंद गतीरा पानी में डाल लो, टेस्ट के लिए आप कुछ भी उसमें थोड़ा अपनी मर्जी से ऐड कर लो। और हाँ, कोकोनट वाटर मैंने बता दिया। तो गौरव जी जो स्ट्रीट फूड है इसके आप खिलाफ हो? मैं तो सख्त खिलाफ हूँ स्ट्रीट फूड के। छोटे छोटे बच्चे आप देख लो,
सब खा रहे हैं। पहले मोमोज जम्मू में थे ही नहीं ना एकदम से आया, क्या यार मैदा खा रहे हैं, मैदे के अंदर क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, बचपन से ना किसी ने सिखाई नहीं ये चीजें हमें, मतलब मुझे इतनी देर बाद समझ में आ रही है ये चीजें, कभी ना लेबल पढ़ के देखा ही नहीं किसी ने। अच्छा, कि कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, गुड्डे बिस्कुट ले लो आप, गुड्डे बिस्कुट उस पर क्या लिखा होता है, कैशू आलमंड है ना, काजू बादाम, हाँ, काजू बादाम पड़े सेहत के लिए अच्छे, उन्होंने प्रमोट क्या किया, काजू बादाम, लेकिन वो उसकी ना ना बिस्किट का मैदे का बना है, काजू बादाम पड़ा 0.4%। अच्छा, मतलब 100 में से 1% भी नहीं, 100 में से 0.4%, तो कितना हो गया, इतना सा काजू, इतना तो बाकी क्या है, मैदा और चीनी। अच्छा। और वो गंदा सा ऑयल जिससे वो बनता है वेजिटेबल ऑयल। तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि मोमोस में न्यूट्री होती है, खा लो भाई, सही है, सही है, वो कुछ नहीं होता यार, वो है तो मैदा है, तो मैदा ना। अच्छा। मैदा, मैदे की न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मैदे में फैट काफी है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, वो उल्टा आपके अंदर जाके आंतों में चिपक जाएगा। तो चावल सही रहते हैं कि चपाती आटे के? चावल बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, चावल आलू। अच्छा। बेस्ट सोर्स है, शक्करकंदी बेस्ट सोर्स है। तो गौरव जी, हम चपाती भी है अच्छा सोर्स, बट आपको पता आज के टाइम में मतलब एडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि आटा भी मिलावटी आ रहा है, तो उसमें आटा कम वो मैदा ज्यादा होता है। आपने देखा होगा पहले जो आप खुद, पहले लोग जो खुद पिसवा के लाते थे, उस मतलब फुलके का, हमारे डोगरी में फुलका ही बोलते हैं, फुलके का कलर, फुलके का स्वाद अलग होता था, और आज की डेट में आप फुलका देखो वो कैसा होता है, अब सब मिलावटी है, सब मिलावटी है, फ्रूट्स तक मिलावटी आ रहे हैं। तो इसका 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 एक सीधा मतलब यही हुआ कि अगर एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पे बीट करना है तो उसे एक अच्छा गाइडनेस चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहिए 100% चाहिए, ऐसे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। नॉलेज देखो, ये गेम है ही नहीं नॉलेज के बिना, साइंस बेस्ड गेम है ये सारी, ठीक है, शरीर के साथ मतलब शरीर को बनाना है तो वो तरीके से ही बनाना पड़ेगा, हमको पता है मतलब शरीर में क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो संडे के दिन आप क्या करते हो, संडे को ऑफ करते हैं, जिम जाते हो उस दिन भी? नहीं, मेरे हफ्ते में दो रेस्ट डेज होते हैं, दो रेस्ट डेज, हाँ, तीन दिन के बाद एक रेस्ट लेता हूँ, तीन दिन वर्कआउट करता हूँ, एक रेस्ट, फिर तीन दिन वर्कआउट, एक रेस्ट, ऐसे रखा हुआ है। तो जब रेस्ट तो रेस्ट खाली, हाँ रेस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमने आपने तीन दिन तोड़ा शरीर को अच्छे से, उसको रिकवर भी तो करना उसको, जब रिकवरी नहीं होगी वो बढ़ेगा ही नहीं शरीर आपका। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? मैं उठ जाता हूँ 5:30 बजे। तो जब आप कोच थे, आपने कहा कोच भी था किसी टाइम? हाँ, मैं मतलब तब से आदत है ना, मैं मतलब क्योंकि जिम तो 6 बजे खुल जाती, जिम 6 बजे चला जाता था मैं, 6 से 10। तो अभी कोच क्यों नहीं हो कहीं भी? क्या अभी मैं मतलब ऑफिशियली किसी जिम में नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ना जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उनकी वर्थ है, दे आर नॉट वेल पेड, उनका मतलब बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। मन उठ गया मतलब कोचिंग से? नहीं, मन नहीं उठ गया कोचिंग से, मेरे को अच्छा लगता है लोगों को सिखाना, लेकिन किसी जिम में जाके काम करने मजा नहीं आता। हाँ, अब मेरे जैसे पर्सनल ट्रेनिंग वाले क्लाइंट्स हैं वो आते हैं मेरे पास, जिनको पता है कि यार भैया सही सिखाते हैं, भैया नॉलेज, देखो जब तक कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा या किसी के अंडर जाएगा नहीं, उसको क्या पता इस बंदे के अंदर क्या नॉलेज है। अच्छा। हमारे यहाँ पे ये भी बड़ा वो होता है कि मेरे से बड़े शरीर वाले भी लड़के हैं, ठीक है, और वो किस कैसे बने हैं या कैसे नहीं बने हैं, किस रास्ते से निकले हैं, किस रास्ते, अब क्या होता है लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं देख के। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ शरीर देख के अट्रैक्ट ना हो, उसकी नॉलेज भी देखो, उसकी मेंटालिटी भी देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, वो एजुकेटेड है या नहीं है, वो आपको सही रास्ते पर, देखो एजुकेशन होना जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो किताबी पढ़ाई आपने करी है, एजुकेशन मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस भी, और जो आपका जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, जो साइंस बेस्ड चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट बंदे को पता होनी, अपने फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब यार बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप, तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी बॉडी टाइप कुछ और है, और वो गलत मतलब कॉम्पिटिशन में कम्पीट करते हैं। अच्छा। किसी की मेंस फिजिक वाली है, बॉडी है, अब वो चला जाएगा बेचारा, काफी कैटेगरी होती है, हाँ कैटेगरीज होती है, वो अलग गलत कैटेगरी चूज कर लेगा। हमने पीछे जो हमने करवाया था ना, आपने देखा होगा हमारे कंपटीशन में सारी कैटेगरीज अलग अलग थी। अच्छा। कोई हमने कैटेगरी मर्ज नहीं की। ये वेट के हिसाब से होता है कंपटीशन? हाँ वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, हाइट वेट, जो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है ना उसमें हाइट वेट दोनों देखा जाता है। अच्छा। जो मेंस अपनी मर्जी से कोई कंपटीशन लड़ सकता है, जैसे जी चाहे कि भाई मैं इसमें लड़ूंगा, मैं उसमें लड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होती है, वेट मैटर करता है, वो क्राइटेरिया में आप होने चाहिए हो, फिर उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पर आज के इस इंटरव्यू में गौरव जी ने एक अहम बात कही है कि अगर आपको इस लाइन में जाना है, एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छा शरीर बनाना है,
तो एक एक्सपीरियंस जिसे पूरी नॉलेज हो कि किस तरह से वो आपको फिट रख सकता है और कैसे वो आपको डाइट बताएगा, क्योंकि इस लाइन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। गौरव जी, इस इंटरव्यू में हम एक गेम भी शुरू करेंगे, आज आपसे एक गेम है। ये कुछ पर्ची हैं, अच्छा ये 5 से 7 पर्ची हैं, इसमें से आपने एक पर्ची उठानी है, जो उस पर्ची में आएगा वो आपने करके दिखाना है। ठीक है, अब है क्या ये पर्ची, कोई चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, ये सिंपल सा है, तो आपने इसको पूरा करना है। शायरी? तो ये गौरव जी ने पर्ची खोली हुई है, इसमें शायरी आई है, तो गौरव जी एक शायरी आपको सुनानी पड़ेगी तमाम दर्शकों को, क्योंकि इसमें आपने खुद कहा है कि हैप्पीनेस होना भी जरूरी है, तो एक शायरी आपको सुनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने पर्ची उठाई है शायरी की, और शायरी सुनाई हुई। ये अपनी लाइन का ही नहीं है, अब क्या शायरी सुनाऊं आपको? शायरी तो सुनानी पड़ेगी, सोच के बताइए, टाइम काफी है। चलो एक फनी शायरी मेरे को याद है, मेरे दोस्त ने मेरे को सुनाई थी एक बार, वही सुना देता हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरे को याद करने दो। कोई बात नहीं, आराम से। लेकिन आपने पर्ची शायरी की उठाई, इसमें काफ़ी तमाम पर्चियाँ आपके बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड भी थी, लेकिन आपको शायरी इसका मतलब आती है, इसलिए आपने यही उठाई है। इसको ना मैं आपको इस शायरी का ना फनी वाला वर्जन सुनाता हूँ, और आपने फन की बात की तो मैं फनी वाला वर्जन सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने सुनाई थी मेरे को, कहता हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, ग्यारह में कहाँ दम था, मेरा स्कूटर वहाँ बजा यार रश कम था। क्या बात है, देखिए बहुत अच्छी शायरी, इन्होंने शायरी के साथ साथ एक ऐसी बात सुनाई है कि ये शायरी शायद आपने कहीं ना सुनी होगी, लेकिन आज गौरव जी ने सुनाई है। बहुत मज़ा आया इनके साथ बातचीत करने का। गौरव जी एक सेल्फी लेंगे, एक फ़ोन आपके पास होगा कोई अच्छा सा, क्योंकि इस फ़ोन में सेल्फी नहीं आएगी अच्छी सी। हम एक सेल्फी लेते हैं अपने इंटरव्यू में, ताकि हम जिसका भी इंटरव्यू करें वो हमारी याद में बना रहे। तो ये हमने सेल्फी ले लिया प्यारी सी, और गौरव जी से बातचीत करने के बाद पता लगा कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही निराला है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। मैं अक्सर इनको इंस्टाग्राम पर ही देखता था, इनकी रील्स काफ़ी देखता हूँ मैं, वहाँ देख कर जब ये वर्कआउट कर रहे होते थे अपना, तो मुझे लगता था इनमें काफ़ी गुस्सा होगा कि ये मुझे टाइम भी देंगे या नहीं देंगे, अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ये बोलेंगे यार बड़ा हो गया यार, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया है। ये बिजनेस भी करते हैं, हमने आपको बताया इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जानीपुर में, और इतना कीमती समय इन्होंने अपना मुझे दिया है इतने पूरे बिजी शेड्यूल में निकालकर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया था गौरव जी। और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए, और किस तरह से इन्होंने कहा है कि एक एजुकेशन बंदा जिसको एक्सपीरियंस हो, आप उसी के साथ जुड़िए, फिर आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़ सकते हैं। फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाज़त, आप सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार, जय हिंद।